राजस्थान विश्वविद्यालय में कल से ही कुछ छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय पर बैठी है और कल देर रात भी इन्होंने प्रदर्शन किया है और आज इनका दूसरा दिन है। इन तमाम छात्राओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करिए। मैम, कल से ही आपका प्रदर्शन चालू है, किस मांग को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम माही हॉस्टल की छात्राएं हैं और हम कल दोपहर 1 बजे से इस प्रदर्शन में हैं। हमने पूरी रात यहीं ठंड में गुजारी है। कुछ छात्राओं की तबीयत भी खराब हुई है इस दौरान, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं है। उनके द्वारा बार बार यही चीज कही जा रही है कि हमने लड़कियों को बोल दिया है आप चले जाइए, फिर भी ये रुकती हैं, तो ये इनकी मर्जी है। जबकि हम जो उनसे डिमांड कर रहे हैं वो बहुत ही जायज डिमांड है कि जो हमारी जो हॉस्टल की नई वार्डन बनाई गई हैं, हालांकि उन्हें हम नई वार्डन नहीं कहेंगे, 2 साल पहले उन्हें इसी हॉस्टल से छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करके हटाया था क्योंकि उनका जो रवैया था छात्राओं के साथ वो बहुत ही अमान्य था। और जो उनका जो पर्सनल टारगेट करती हैं वो छात्राओं को, चाहे वो छोटा से छोटा मैटर हो, उनमें भी लड़कियों को कुछ ना कुछ धमकाया जाता है, कुछ शब्द ऐसे कहे जाते हैं जिनसे छात्राओं पर दबाव बनाया जाता है। तो हम ऐसे मतलब प्रेशर में नहीं रहना चाहती हैं लड़कियां। और 2 दिन उस टाइम धरना प्रदर्शन चला था, तब प्रशासन ने उन्हें हटाया था। उसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का वार्डन बनाया गया, जहाँ से भी उन्हें 2 महीने के अंदर अंदर हटा दिया गया। फिर अभी ही 1 हफ्ते पहले उन्हें फिर माही हॉस्टल का वार्डन बना दिया गया। तो हम प्रशासन से यही जानना चाहते हैं, जिसे हमने 2 साल पहले हटाया है, आप उन्हीं ही वापस हमारी वार्डन लेके आ रहे हैं और हमसे ये बोला जा रहा है कि दूसरा मौका सबको मिलना चाहिए। हमने फर्स्ट डे इस चीज़ पे कुछ एक्शन नहीं लिया क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद वो आना चाहती होंगी, शायद जो हमें प्रशासन बोल रहा है कि उन्हें दूसरा मौका दें। परंतु उसके बाद जो उनकी असिस्टेंट वार्डन से और इनसे मीटिंग हुई है, तो उनका ऐसा कहना है कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट कुछ भी करते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रशासन तो एक्शन लेगा ही लेगा और मैं भी एक्शन लूंगी। तो ये तो साफ साफ लड़कियों को डराने धमकाने वाली बात हो गई। तो हम कतई ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे वार्डन के सुपरविजन में रहें जो हमसे हमें डरा के रखे, क्योंकि जो हमारा हॉस्टल 2 साल पहले जिस कंडीशन में था, आज उसे बहुत ही बेहतर कंडीशन में है। हमें खाने की और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है इस हॉस्टल से। तो हम चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा था कृपया उसे वैसा ही चलने दें और इनके प्रेशर में तो हम ना रहें। इसे इस प्रोटेस्ट को लेने से करने से पहले हमने 2 बार VC मैम को एप्लीकेशन दी है और उन्हें ये बोला गया है कि आप इस पे कार्रवाई करें और उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए छात्राओं के हित से। एक एक लड़की के हॉस्टल के छात्राओं के साइन हुए हैं इसमें, लेकिन फिर भी उनके द्वारा कोई फैसला नहीं सुनाया गया। तो हमने पुनः उन्हें एक नई एप्लीकेशन दी जिसमें हमने ये लिखा कि अगर आपके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो छात्राएँ जो हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगी। इस पर भी उनका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। फिर हम वापस छात्राओं से मिलने आए हैं, परंतु उनके द्वारा कोई भी हमसे बातचीत के लिए कोई आगे नहीं आया है। सब हमें यही बोल रहे हैं आप चले जाओ, आप प्रशासन को अपना काम करने दो। तो हम भी यही चाहते हैं कि वार्डन जो होती है वो फर्स्ट गार्जियन होती है, तो हम ऐसे प्रेशर में तो नहीं रहना चाहते। अगर हमें नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना प्रेशर है कि उन्हें एक वार्डन के लिए 24 घंटे तक लड़कियों को परेशान करना पड़ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कृपया वो जल्द से जल्द VC मैम है आके और उन्हें हटाएं। देर रात तक आपने प्रदर्शन किया, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा? जी, सबसे पहले तो हम गर्ल्स हैं, हमें हमारे पास कोई भी रजाई गद्दे की व्यवस्था नहीं थी और यहाँ इतनी ठंड थी कि हमारे पास लड़कियों को मतलब वो थोड़ा गर्म रह सके या जैसे आग जला के कोई व्यवस्था कर सके। हमने जैसे तैसे आग जलाई, व्यवस्था करी, फिर हमें किसी ना किसी स्टूडेंट लीडर का सहारा चाहिए था, बट हम इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल व्यू नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने हमारे एक लीडर हैं विनोद जाखड़, उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप आके अपनी जो बहनें हैं उनके लिए खड़े हुए और उन्हें रजाई गद्दों की व्यवस्था उनके द्वारा कराई गई है। तो हम उनका भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और कल रात को लड़कियां ने चाहे खाने को लेकर चाहे कई लड़कियों की तो तबीयत भी इस मौके पर ख़राब हो चुकी है। तो हम फिर भी प्रशासन जो है वो यही कह रहा है अभी तक तुम यही हो तो तुम चले जाइए, क्योंकि ये जो चीज़ है ये प्रशासन करेगी, तुम्हें बैठना है तो तुम बैठे रहिए। उनके द्वारा कोई सहानुभूति हमें नहीं दी गई है। देखिए, सैकड़ों छात्र हैं कल से ही यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, उनकी साफ मांग यही है कि जो वार्डन के खिलाफ उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके विरोध में ये
छात्राएं प्रदर्शन कर रही है। कुछ और छात्राओं से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों छात्राएं अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन। मैम, कल से आपका प्रदर्शन जारी है, कौन सी ऐसी मांग है जिसको लेकर? हम चाहते हैं कि ज्योति मैम को हमारे वार्डन पद से हटाया जाए, क्योंकि पहले भी उनकी गलतियां हो चुकी है और उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। कि पहले जो हॉस्टल की व्यवस्था थी उनमें रूम्स में सांप कीड़े मकोड़े आ जाते थे, पर ज्योति मैम का इसके लिए कोई रिस्पांस नहीं था और लड़कियां परेशान होती रहती थी। अब दीदियों से हमने जो सुना है, हम नहीं चाहते कि वही हरकतें हमारे साथ दोहराई जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्योति मैम के अलावा कोई और हमारी वार्डन बने। हम बस यही मांग रखना चाहते हैं। लेकिन तमाम छात्राओं की यही मांग है कि जो इनका वार्डन है वो चेंज किया जाए। कुछ और छात्राएं हैं जिनसे हम मैम लगातार कल से आपका प्रदर्शन जारी है, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं, देर रात भी आपका प्रदर्शन जारी था, उसको लेकर? सर, बस हमारी एक सिंपल सी मांग है, कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। बस हमारी मांग है कि हमारी जो नई वार्डन नियुक्त की गई है उसे हटाया जाए। बट हमने जब मैम आज से एक हफ्ता हो गया, हमने दो बार पहले भी एप्लीकेशन दी है, हमने मैम से मिलने की कोशिश भी की है, बट इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए हमें यहाँ पे जबरदस्ती बोली या फिर हमें स्ट्राइक करना पड़ा, धरना देना पड़ा। हम 24 घंटे होने वाले हैं, इन्होंने बोला कि आप रात को घर चले जाइए, हॉस्टल चले जाइए, आप सुबह आ जाइए। हम नहीं गए, बट हम सुबह भी आ गए, इन पे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन तमाम वो छात्राएं जो कल से ही वार्डन को चेंज करने के लिए प्रयासरत है, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको राजस्थान विश्वविद्यालय से दिखा रहे हैं। इन तमाम छात्राओं का यही कहना है कि जो इनकी हॉस्टल वार्डन है वो उनको चेंज किया जाए। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी तमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।